सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। साथ ही हमारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए क्लिक करें डीएन। नमस्कार दोस्तों, डीएनके एकेडमी के वीडियो में स्वागत है। मैं अमित सिंह कठारिया। आज के सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक आज के दिन का संबंध है, आज 2 अक्टूबर 2017 है। जहाँ तक हम पिछले करंट अफेयर्स अपडेट की बात करें तो पिछला अपडेट हमारा 30 अगस्त 2017 को लास्ट अपडेट हुआ था। कुछ तकनीकी और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हम इसे अपडेट नहीं कर पाए, बट आज 2 अक्टूबर आज की तारीख से हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। जहाँ तक आज के दिन की बात की जाए, आज 2 अक्टूबर है। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आज एक और महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ था, जो पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, आजकल जिसे यूपी बोला जाता है। तो दोनों महापुरुषों का जन्म आज मनाया जा रहा है। जहाँ तक आज के दिन की बात की जाए, आज के दिन से ही हमारे राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 3 साल पहले की गई थी, जो देश को राष्ट्रपिता को नमन करने का एक अच्छा तरीका है। क्योंकि महात्मा गांधी का आज हम 148वां जन्मदिवस मना रहे हैं और आज के दिन से हमने स्वच्छ भारत अभियान के इस 3 साल पूरे कर लिए हैं। तो करंट अफेयर्स में मूव होते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा बुरका पहनने और सार्वजनिक स्थानों में इमारतों में चेहरा छुपाने वाली अन्य चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? सिंपल शब्दों में बोला जाए तो आप किसी भी सार्वजनिक जगहों पर बुरका पहनकर और मुंह छुपाकर किसी जगह पर भी सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकते। इसके ऑप्शन है इंग्लैंड, सेकेंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रिया। जहाँ तक ऑस्ट्रिया की बात की जाए, यूरोपीय संघ का एक देश है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जो विश्व के महत्वपूर्ण 5 कैपिटलों में जिसका शुमार किया जाता है, वियना डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसकी राष्ट्रभाषा जर्मन है। और वियना जो एक खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाता है, ये पहले बता चुका हूँ आपको मैं। यहाँ के ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैश फिशर हैं। जहाँ तक इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, इसके पीएम थेरेसा मे है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, इन कन्फ्यूज नहीं होना, अपने को अलग अलग हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा है, जिसके राष्ट्रपति मेलकॉम टर्नबुल हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बचत खाते में न्यूनतम चार्ज 5,000 रुपये से घटाकर कितना कर दिया गया? पहले अगर देखा जाए तो आपको मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये रखना अनिवार्य था। तो इसका जो आंसर है वो है 3,000। अगर देखा जाए, पहले आपको मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये रखना अनिवार्य था, बट वो सीमा आप घटाकर 3,000 रुपये कर दी गई है। यदि आप अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते थे तो कुछ सरचार्ज जुर्माना भी लगा जाता था, जो 40 रुपये से 100 रुपये अधिकतम था, उसे घटाकर भी अब 30 से 50 रुपये कर दिया गया है। ये जुर्माने की राशि शहरी क्षेत्रों के लिए थी, और छोटे शहरों में जुर्माने की राशि पहले 25 से 75 रुपये थी, उसे भी घटाकर 20 से 40 रुपये कर दिया गया है। जहाँ तक जुर्माने की बात की जाए या फिर मिनिमम बैलेंस की बात की जाए, तो यह पेंशन, सामाजिक योजनाओं और नाबालिगों के खातों को मिनिमम बैलेंस रखने से छूट दी गई है। मीन्स जो भी नाबालिग बच्चे हैं, सामाजिक योजनाओं के एनजीओ के जो खाते हैं और पेंशन भोगी जो लोग हैं, वो मिनिमम बैलेंस के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। डिजिटल वॉलेट कंपनी द्वारा मुंबई के मेट्रो उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकट उपलब्ध कराने के लिए मुंबई मेट्रो वन से समझौता किया है। मीन्स देखा जाए तो यह डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है। इसके द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ऑप्शन है पेटीएम, सेकेंड ऑप्शन है फ़ोनपे, थर्ड ऑप्शन है मोबीक्विक, फोर्थ ऑप्शन है भीम। तो इसका आंसर जो है मोबीक्विक है। मोबीक्विक एक इंडियन कंपनी है जो 2009 में स्थापित की गई, जो मोबाइल फ़ोन बेस्ड पेमेंट सिस्टम या मोबाइल के द्वारा आप इसका भुगतान, किसी भी चीज़ का भुगतान कर सकते हैं, ये सुविधा प्रोवाइड करती है। और ये मोबाइल वैलेट, मोबाइल पर्स की सुविधा भी उपलब्ध कराती है, जिसके CEO विपिन प्रीत सिंह हैं, जो इसके फाउंडर भी हैं। जहाँ तक पेटीएम की बात की जाए, पेटीएम भी एक भारतीय कंपनी है, 2010 में स्थापित की गई, इसके CEO विजय शेखर शर्मा हैं। फ़ोनपे की बात की जाए तो फ़ोनपे जो है यस बैंक द्वारा स्थापित है और ये भारत राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित है, जिसके फाउंडर जो हैं समीर निगम हैं। जहाँ तक भीम ऐप की बात की जाए, ये लास्ट ईयर ही भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और ये भी राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित है। तो इसका जो आंसर है वो है मोबीक्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की एक नई मिसाइल खुर्रम शहर का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए ईरान, सेकेंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि खुर्रम शहर जो है ये मिसाइल का जो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ईरान। ईरान ने अमेरिका की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए मध्यम दूरी की मिसाइल खुर्रम शहर का सफल परीक्षण किया है और ये 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। अमेरिका के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। जापान की बात की जाए तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित दक्षिण एशियाई हिमालयी राष्ट्र है जिसकी राजधानी काठमांडू है और इसके राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा है। तो खुर्रम शहर जो है वो ईरान द्वारा अभी इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब आपको ये क्वेश्चन जीके का लग रहा होगा बट इससे मैं समझाता हूँ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्यों है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है मुख्यमंत्री, फोर्थ ऑप्शन है उप मुख्यमंत्री। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये आज ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पांच राज्यों जो अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आसाम, मेघालय के राज्यपालों को नियुक्ति किया गया है और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के राज्यपाल को भी आज से नियुक्त किया है। तो ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा रिटायर्ड हैं, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। श्री सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल होंगे। श्री बनवारी लाल तमिलनाडु के। प्रोफेसर जगदीश मुखी आसाम के। गंगा प्रसाद मेघालय के गवर्नर बनेंगे। तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किया गया है वो किस शहर में है? तो इसके ऑप्शन है शिरडी, सेकंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है गोवा। तो इसका जो आंसर है वो है शिरडी। जहाँ तक शिरडी की बात की जाए तो ये साईं बाबा का शहर है। शिरडी में आज ही रामनाथ कोविंद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है जो 400 एकड़ में फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट को महाराष्ट्र के एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में तैयार किया है। तो इसका आंसर जो है वो शिरडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, हाल ही में कितने देश के वेट लिफ्टर पर IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टर फेडरेशन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन है 5, 6, 8, 9। इसका आंसर जो है वो 9 है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टर फेडरेशन द्वारा नौ देशों के वेट लिफ्टरों पर प्रतिबंध लगाया है और ये प्रतिबंध जो लगाया गया है ये 2008 और 2012 के ओलंपिक में भाग लेने वाले वेट लिफ्टरों के डोपिंग टेस्ट के पुनर्विश्लेषण के बाद ये फैसला लिया गया है और ये फैसला जो है कैलिफोर्निया में 28 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने पर रोक लगाई गई है। जो नौ देश हैं वो हैं रूस, चाइना, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, मालदोवा, तुर्की और यूक्रेन पर रोक लगाई गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रियो ओलंपिक में रूस के एथलीट पर पहले भी रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसके ऑप्शन है भारत, सेकेंड है इंग्लैंड, थर्ड है जापान, फोर्थ है पाक। तो पाक के बैट्समैन खालिद लतीफ, इसका आंसर जो है पाक के बैट्समैन खालिद लतीफ पर 5 साल का बैन लगाया गया है। ये पाकिस्तान सुपर लीग PSL के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के लिए PCB के कानूनी सलाहकार जिनका नाम तजफ्फुल रिजवी है उनके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और ये इनकी आजीवन प्रतिबंध की मांग भी कर रहे हैं और PCB के चेयरमैन जो है वो निजाम सेठी हैं। तो पाक के बैट्समैन खालिद लतीफ पर 5 साल का बैन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, हाल ही में किस सॉफ्टवेयर को रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है अर्पण 3.0, सेकंड ऑप्शन है DIPN 3.0, HPIL 3.0, AMIT 3.0। तो इसका जो आंसर है वो है अर्पण 3.0। अर्पण जो है 1 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में आर्मी रिकॉर्ड और ऑफिस ऑटोमेशन प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए
अर्पण 3.0 सॉफ्टवेयर के संचालन की सहमति जारी की गई है। यह सॉफ्टवेयर रक्षा क्षेत्र में पेपरलेस कॉन्सेप्ट और पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आर्मी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर और टेक महिंद्रा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ये अर्पण जो है टेक महिंद्रा और आर्मी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम होते हैं, हाल ही में बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता टॉम अल्टर का निधन हो गया है, उन्होंने किस फिल्म से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी? इसका आंसर है चरस। टॉम अल्टर की बात की जाए तो टॉम अल्टर का जन्म 22 जून 1950 को मसूरी में हुआ था। ये मूल रूप से अमेरिकी थे। इन्हें 2008 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मुख्य फिल्में शर्त 1986 में प्रदर्शित हुई, देश परदेश 1978 में और 1978 में नौकरी फिल्म इनकी प्रदर्शित हुई। थैंक यू।